गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब, कहिए जनाब क्या हाल चाल है, फिट हैं, एनर्जेटिक हैं, क्या बात है क्या बात है। फातिमा मैं और हमारी टीम राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। जी अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा, मुस्कुराता हुआ और खूबसूरत गुजरेगा। जी हाँ बिल्कुल, और आज आपकी मुलाकात हमने करवानी है आपके फेवरेट हनीएल बेला से। भाई हनीएल बेला बहुत ही प्यारा आदमी है और इतना अच्छा ये थिएटर पे काम करता है, टीवी के जो प्राइवेट चैनल्स पे टॉक शोज होते हैं ना, जो मजाहिया शोज, उसमें इसका कभी कोई किरदार कभी कोई अंदाज, और फिर उसके अलावा पाकिस्तान टेलीविजन के साथ भी इनका पुराना रिश्ता है। तो हनीएल बेला के जो जो भी फैंस हैं वो जल्दी से हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे, जो भी कुछ देर में आपकी स्क्रीन पे आवेजा होने वाला है, इस पे बताएं कि हनी का कौन सा आपको ड्रामा पसंद है, कौन सा इनका स्टेज ड्रामा आपको पसंद है, इनसे आप क्या सवाल करना चाहते हैं। तो जनाब आज मैं तो बहुत हंसने के लिए तैयार हूँ और रिलैक्स मोड के अंदर हूँ कि आज हनी अल बेला आ रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में। इसके अलावा क्या है फातिमा? जी इसके अलावा राइजिंग पाकिस्तान में आप सब लोग जो हैं, वो बच्चे, वो हमारे जो हैं जवान बच्चे जो आना चाह रहे हैं हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में। जवान बच्चे अच्छा था वैसे, जवान बच्चे बूढ़े बच्चे देखिए, कई बूढ़े बच्चे भी होते हैं ना, एक मेरी तो तरफ देख रही हैं आप बूढ़े बच्चे कहते हुए, एक बूढ़ा बच्चा एक मासूम बच्चा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आना चाह रहे हैं, वो जो है आ जाएं और बैठ जाएं अपनी टीवी स्क्रीन्स के आगे, क्योंकि हमें ज्वाइन करने वाले हैं मोहम्मद अजीम कुरैशी जो कि हॉस्पिटैलिटी एक्सपर्ट हैं, और बेसिकली वो जब आज आएंगे तो वो हमें बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। देख के तो हमें लगता है कि जब भी हम किसी होटल में रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं ना, तो दिल करता है कि ओह कितना अच्छा काम है इनका, आसान सा काम है, तैयार हुए, परफ्यूम लगाया और ड्यूटी दे रहे हैं, ये जॉब तो मुझे भी करनी है, लेकिन ये जॉब बहुत मुश्किल है। जो अच्छे अच्छे खाने हमें खिला रहे हैं तो खुद कितने मज़े-मज़े के खाने खाते होंगे किचन में, है ना? सोचती हूं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता होगा उनका। एग्जैक्टली लेकिन असल कहानी क्या है बिहाइंड द सीन्स हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में, होटल इंडस्ट्री के अंदर, रेस्टोरेंट के बिजनेस में बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा होता है, ये आज हम अनफोल्ड करेंगे कुरैशी साहब के साथ। तो जैसे फातिमा कह रही, बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, आपने जरूर देखना, और आपके सोशल मीडिया मैसेजेस की एक भरमार है। पिछले हफ्ते में कुछ ज्यादा ही आपके मैसेजेस आ गए और आमना उनकी टीम जो बिल्कुल पैनिक हुए हैं, वो कह रहे हैं आज हमने बहुत सारे मैसेजेस निकालने हैं, यानी कि उनको शामिल करना है। तो आपकी तस्वीर, अगर आप बहुत दिनों से मुंतजर हैं कि आपकी पिक्चर्स पेंटिंग्स प्रोग्राम में शामिल नहीं हुई, तो आज का दिन है, आपने इस सेगमेंट जरूर देखना है, हो सकता है आप ही की एंट्री आज प्रोग्राम की जीनत बन रही हो। जी बिल्कुल, इसके अलावा राइजिंग पाकिस्तान में मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोगों के लिए होगी हमारे प्यारे से तौसीक अंकल की मिलियन डॉलर एडवाइस, और जब मिलियन डॉलर एडवाइस होती है तो उसके बाद क्या होते हैं, टून टून कार्टून होते हैं। तो जनाब ये है सारा आज का राइजिंग पाकिस्तान का खेल तमाशा जो हम आपके लिए सजा कर लाए हैं, और साथ साथ ये भी बताएं कि अब ये जो हमारा प्यारा प्यारा सेट आप देख रहे हैं ना जनाब, ये भी कुछ दिनों का मेहमान है। जब ये सेट लगा था तो बहुत जनाब इसकी तारीफें हुई, अभी भी जब भी कोई आता है इस सेट की बहुत तारीफ करता है, लेकिन आपको बताएं कि अब कुछ ही दिनों में ये सेट हमारे से हो जाएगा गुड बाय बाय बाय, और बहुत ही जल्द आपको राइजिंग पाकिस्तान एक नए अंदाज में देखने को मिलेगा, और ये भी एक सरप्राइज है, चले फिर आपको बताएंगे। एक आध दिन ही रह गया है, चले बिल्कुल ठीक है, एक आध दिन चले जनाब, ये गपशप चलती रहेगी, हम राइजिंग पाकिस्तान में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सर्दियां नहीं आईं, गर्मियां नहीं गईं, गर्मियां आ रही हैं, सर्दियां जा रही हैं। अच्छा ये बहस इस वक्त हर घर की बहस है, नहीं समझ आती एसी बंद कर दें, वैसे तो बिजली बचाने के लिए भी एसी बंद करना पड़ता है, नहीं समझ आती पंखा चलाएं पंखा ना चलाएं। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में ऐसी अब ठंड आ चुकी है कि रात को पंखा वंखा नहीं चलाना चाहिए, उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ दिन में अभी भी बहुत ज़्यादा तपिश और गर्मी है। इसको कहते हैं चेंज ऑफ वेदर्स का जो सीज़न है, और ये सेहत के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और नुकसानदेह होता है, इसलिए कि नहीं आपको मालूम कि कब आपको नज़ला ज़ुकाम लग जाए, ठंड लग जाए, गर्मी लग जाए,
तो ऐसे में गए वो वक्त कि हमारे चार सीजन्स होते थे ना, जनाब खजा आती थी तो वो एक चेंज ओवर होता था, आपको खजा में जाकर कोई सीन नहीं है, अब अचानक गर्मी के बाद फ़ौरन से सर्दी आ जाती है, सर्दी के बाद अचानक गर्मी आ जाती है, बाहर बस ऐसे हफ्ता 10 दिन की बाहर होती है। तो वो हमारे बचपन के जो चार, पाकिस्तान एक बहुत ही ब्लेस्ड मुल्क है, हमारे पास चार सीजन्स है ना, हम 5वीं 6वीं में किताबों में पढ़ा करते थे, शायद करिकुलम में अभी भी यही पढ़ाया जाता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से, इन्वायरमेंट की तब्दीली की वजह से अब जो एक्चुअल चार वेदर्स थे वो अनफॉर्चुनेटली अब हमारे दो वेदर्स में तब्दील होते जा रहे हैं। बहरहाल इस सारी बात करने का मकसद ये है कि अब अचानक से एक दिन शाम में ठंड हुआ करेगी, किसी दिन तपिश होगी, तो अपनी सेहत का आपने ख्याल रखना है, बच्चों ने नंगे पैर नहीं फिरना है, जो अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये नहीं कि एकदम से एसी चला रहे हैं तो बाहर निकल रहे हैं तो गर्मी लगी तो सर्दी लग गई, ठंड, और अब समझें और वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है, तो हम नहीं चाहते कि वर्ल्ड कप के मैचेस के अंदर बच्चे जो हैं वो बीमार होकर ऐसे रजाई में बैठ के वर्ल्ड कप का मैच देखें, हम चाहेंगे वो सेलिब्रेट करें। इसलिए प्यारे बच्चों, अम्मी अब्बू की बात को आपने मानना है और चेंज ऑफ वेदर के साथ अपने कपड़ों को, अपनी वार्डरोब को, वो इलाके जहाँ ठंड पड़ चुकी है अब आप आस्ते आस्ते स्वेटर निकालनी शुरू करें, वो बक्से खोलें, उनको धूप लगवाएं, रजाइयों को धूप लगवाएं, स्वेटरों को, चादरों को, और अब ज़रा सीन ऑन करें। वैसे इस दफ़ा गर्मी ने तो वाकई बस कर दी, मैंने भी कहा था बस जाए, हालांकि मुझे गर्मियां बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कहा नहीं बस अब जाए और सर्दियां आए, हालांकि मुझे सर्दियां इतनी पसंद नहीं है, लेकिन बहरहाल जनाब चेंज ऑफ वेदर्स के हवाले से अपनी वार्डरोब और अपनी सेहत का आपने ख्याल रखना है।